नेचर के साथ में आपका स्वागत है। भारत में पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कुछ रंग बिरंगे पक्षी जो आसानी से आसमान में उड़ सकते हैं, तो कुछ ऐसे भारी पक्षी भी हैं जो आसमान में उड़ नहीं पाते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक अनोखे पक्षी के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी वजनदार होता है और आसमान में उड़ नहीं पाता। यह पक्षी वर्तमान में केवल राजस्थान में ही पाया जाता है, जिसका नाम है गोडावण। तो आइए दोस्तों जानते हैं गोडावण के बारे में। दोस्तों वीडियो काफ़ी रोचक होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गोडावण को बड़ा भारतीय तिलोर या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। इसके कई स्थानीय नाम भी हैं, जिनमें गुराइन, माल मोरड़ी, हुकना पक्षी और सोन चिड़िया प्रमुख हैं। गोडावण का वैज्ञानिक नाम आर्डियोटिस निग्रिसेप्स है। गोडावण एक भूरे रंग का पक्षी है, जिसके पंखों पर काले, भूरे और सलेटे रंग के निशान होते हैं। इसकी गर्दन शत्रुमुख की तरह लंबी होती है और हल्के भूरे रंग की होती है। नर की गर्दन मादा से अधिक सफ़ेद होती है। यह पक्षी 4 फीट तक लंबा होता है और इसका अधिकतम वजन 15 किलोग्राम तक होता है। मादा गोडावण वर्ष में केवल एक बार ही अंडे देती है। गोडावण भारत के घास के शुष्क मैदानों और भारत से सटे समीपवर्ती पाकिस्तान के कुछ इलाकों में पाया जाता है, जहां इसे सोन चिड़िया कहा जाता है। पहले भारत में गोडावण पक्षी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों के घास के मैदानों में बहुतायत में पाया जाता था, किंतु अब यह पक्षी बहुत कम संख्या में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और संभवतः मध्य प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। गोडावण एक सर्वाहारी पक्षी है, जो अपने भोजन के रूप में अनाज और छोटे कीड़ों को खाता है। अनाजों में यह मुख्य रूप से गेहूं, ज्वार, बाजरा को खाता है। कीड़े मकोड़ों में टिड्डे इसको बहुत पसंद आते हैं। इसके साथ ही यह सांप, छिपकली, बिच्छू जैसे जंतुओं को भी खा जाता है। गोडावण बेर के फलों को भी बड़े चाव से खाते हैं। गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। यह जैसलमेर के मरु उद्यान, बारा जिले के सोरसन और अजमेर के शोकलिया क्षेत्र में पाया जाता है। यह बहुत ही शर्मिला पक्षी है और यह ज़्यादातर सघन घास में रहना पसंद करता है। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गोडावण पक्षी पाया जाता है, इसलिए इस अभयारण्य को गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है। सर्वप्रथम गोडावण को भारत का राष्ट्र पक्षी चुने जाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। वर्ष 1981 में गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी चुना गया। गोडावण पक्षी जमीन पर आराम करना अधिक पसंद करते हैं, इसलिए यह अपना घोंसला जमीन पर ही बनाते हैं। नर पक्षी ब्रीडिंग के मौसम में मादा को आकर्षित करने के लिए झुंड में एकत्रित होते हैं। इस झुंड को लेक कहा जाता है। ये काफ़ी तेज गति से आवाज़ निकालते हैं, जिसे 500 मीटर की दूरी तक सुना जा सकता है। मादा को आकर्षित करने के लिए नर गर्दन के साथ शरीर के सफ़ेद पंखों को भी फुला देता है। इससे उसके सिर का किरीट अधिक फूल जाता है और शरीर पर काले रंग की पट्टी पड़ जाती है। लेक में नर अपने प्रतिद्वंदी नर से अकड़ता है, छलांगे लगाता है और प्रतिद्वंदी की गर्दन दबाकर अपने कौशल को प्रदर्शित करता है। साथ ही अपनी जीभ के नीचे पाई जाने वाली गुलर की थैली को फुलाता है, जो फूलकर बाहर आ जाती है और गर्दन तक लटक जाती है। इसके साथ पूंछ के पंखों को पीठ पर मोड़कर जोर जोर से आवाज़ करता है। मादा गोडावण पक्षी जमीन पर अपने अंडे देती है और अकेले ही उन अंडों को सेती है। यह जमीन पर ही ऐसी जगह को चुनती है जहां पर शिकारी आसानी से नहीं पहुंच पाते। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली रेड डाटा बुक में गोडावण को गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्राणी की सूची में रखा गया है। साथ ही भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसे रखा गया है। इस विशाल प्राणी को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का विज्ञापन मेरी उड़ान ना रोके जैसे मार्मिक वाक्य से किया गया था। भारत सरकार के वन्यजीव निवास के समन्वित
विकास के तहत किए जा रहे प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित 17 प्रजातियों में गोडावण का नाम भी शामिल है। गोडावण का अस्तित्व वर्तमान में खतरे में है, इसकी बहुत ही कम संख्या बची हुई है, अर्थात यह प्रजाति विलुप्ति की कगार पर है। वर्तमान में इनकी संख्या केवल 150 ही रह गई है। तो दोस्तों, गोडावण के बारे में आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।